हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट लर्निंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो हर रोज आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी के वेशी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप एक क्रिकेटर हो या क्रिकेट में करियर बनाने की सोच रहे हो तो बेसिक चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी के ट्रायल हर स्टेट में होते हैं। अंडर 23 का ट्रायल देने के लिए आपकी 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 लेवल का टूर्नामेंट है और यह ट्रायल कोई भी दे सकता है जिसकी एज 23 साल या 23 साल से नीचे है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस एकदम सिंपल है। सबसे पहले ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल में बहुत सारे राउंड होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। ट्रायल कोई भी दे सकता है। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर उसके बाद आपका एक कैंप लगता है जिसमें प्लेइंग 11 सिलेक्ट की जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज पर, कैसे आप अंडर 23 टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सेलेक्ट होने के लिए। बिना मेहनत के आप अंडर 23 टीम में सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, क्योंकि अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है, तो कंपटीशन तो यहाँ पर होगा ही। अगर आपने अंडर 14, अंडर 16 या अंडर 19 नहीं खेला है तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतना हो सके लोकल मैचेस खेलो और एक अच्छी कोचिंग लो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, जरूर आप अंडर 23 टीम में सेलेक्ट होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पे लाइक और कमेंट्स करें, और क्रिकेट से रिलेटेड और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल